गुड आफ्टरनून एवरी वन मैं वन डायमेंशनल मोशन के नुमिकस कराने जा रहा हूँ पिछले एपिसोड में मैं इसके सारे थोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जो आज पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन ये है कि वो पहले पिछला एपिसोड जरूर देख लें उसके बाद उनको वेक्टर, कैलकुलस कोऑर्डिनेट, फंक्शन एंड ग्राफ पे फुल कमांड होना चाहिए अगर इतने सारे मैथ पे फुल कमांड करके वो बैठेंगे तो समझ में जरूर आएगा नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी तो प्यारे बच्चों मैं आज आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ सो प्लीज बी फोकस आन एंजॉय क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए स्मॉल बॉडी फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम इंटरवल टी क्वस जीरो टू टी क्वज फोर सी सेकेंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल जीरो टू टीक्स फोर सी दरअसल इस क्वेश्चन के साथ ये ग्राफ गिवेन है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ग्राफ की इंफॉर्मेशन टी क्वस जीरो से लेकर टी क्वस फोर सेकेंड तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पिछले एपिसोड में आपको थ्योरी पढ़ाई गई नो टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स ए वन माइनस ए टू आपको सिखाया गया कि ग्राफ में जो ऊपर का एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है और जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया होता है वो नेगेटिव होता है जब कैलकुलस मेथड से आप फार्मूला डिराइव करे थे बताया गया था जब डायरेक्ट इंटीग्रेट करके एरिया निकालते हैं तो हमें मिलता है वन माइनस ए टू आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा बिटवीन टी क्वेश्च जीरो फोर टेवन मॉनस ए टू आपको जीरो से फोर के बीच में चाहिए बिटवीन टी क्व जीरो टू टी क्व थ्री स्ट्रापीजियम एरिया एवन होगा फॉर्मला आपको पहले से पता होगा एवन वन बाय टू इंटू सम देखो थ्री प्लस वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरल साइड्स दैट इज फाइव देन माइनस ए टू इस एरिया का मैग्नीट्यूड ए टू होगा ये एरिया ट्रायंगुलर है फॉर्मला होगा वन बाई टू देन इंटू बेस ट इज वन इंटू हाइट दैट इज फाइव बट आप खाली इसका मैग्नेटूड यूज करोगे फाइव क्योंकि तो मानस आइन प्लेस इस्तेमाल कर चुके हो दोबारा से आप मानस नहीं लिखोगे तो हाइट का मैग्नीच्यूड फाइव आएगा इसको सॉल्व करोगे तो ये नाता है और ये टू पॉइंट फाइव आता है डिफरेंस आता है सेवन पॉइंट फाइव मीटर सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ़ द पार्टिकल इज सेवन पॉइंट फाइव मीटर डन फिर पूछा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टीव ज़ीरो तो फोर डिस्टेंस की थोड़ी बच्चों ये पढ़ाई गई कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया लेना होगा वेलोसिटी वेक्टर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है डिस्टेंस के लिए स्पीड का ग्राफ लेना होगा अगर इसको मॉड भी लिख दूँ ये जो नेगेटिव साइड का ग्राफ है ये इस तरह से पॉजिटिव साइड में ऐसे मिरर इमेज बनेगा मिरर इमेज बनेगा अगर मॉड ले लूँ तो।, तो जो नीचे वाला एरिया है वो पलट के ऐसे ऊपर चला जाएगा तो फार्मूला हो जाएगा ए वन प्लस ए टू ए वन उतने का उतना ही आएगा आई टेन और ये वाला ग्राफ पलट के जब ऊपर चला जाएगा ऐसे हो जाएगा तो फिर से वैसा ही एक ट्रायंगल दिखेगा उस ट्रायंगल का पास्ट एरिया ए टू कहलाएगा ए टू का, का मैग्नीट्यूड फिर से उतना ही आएगा ए वन का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा 10 हो जाएगा टेन प्लस टू पॉइंट फाइव फाइनल आंसर होगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर तो आपका पार्ट के देखो क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी पूछा है ये वन डायमेंशनल मोशन है तो वेलोसिटी वेक्टर पैरों नहीं लगाते सिखाया हूं आप इसको एवरेज स्पीड समझने की गलती मत करना एरो नहीं है फिर भी ये वेलोसिटी वेक्टर माना जाएगा वन डी मोशन इसका फॉर्मुला पढ़ाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये बिग डिस्प्लेसमेंट अपॉन बिग टाइम टेकन सो टाइम टेकन ए जीरोडी डन सेवन पॉइंट फाइव सोट सेवन पॉइंट फाइव आन द रेशियो कम्स आउट 1.875 पॉइंट एट सेवन फाइव मीटर पर से डन फिर पूछा गया है एवरेज स्पीड इन द सेम टाइम इंटरवल उसका फॉर्मूला पड़े हो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी डेल्टा टी फोर माइनस ज़ीरो डेल्टा एस बिग डिस्टेंस ट्वेल्व पॉइंट फाइव पहले से कर चुके हो डिवाइड करोगे आएगा थ्री पॉइंट वन टू फाइव मीटर पर से फिर पूछा एवरेज एक्सेलरेशन। फॉमला पढ़े डेल्टा वी बाई डेल्टा टी दिस इज बिग चेंज इन वेलासिटी अपॉन बिग टाइम टी माइनस जीरो माइनस वी बन बच्चों वी टू का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स फोर न का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी टी टिक्वल जीरो इनकी वैल्यू ग्राफ से आप रीड कर सकती हो वी टू ऐसे रीड करो फाइनल वेलोसिटी टी टीक्वल्स फोर इस पॉइंट को ग्राफ तक प्रोजेक्ट करो जब ग्राफ को ये पॉइंट प्रोजेक्ट होकर आता है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है यहाँ से रीड करो हाउ मच माइनस फाइव मीटर पर सिक्स सो so, v2 टू इज माइनस फाइव वी वन का मतलब ब्लास्टी या टी क्वस जीरो टी क्वस जीरो पे ये जो पॉइंट है वो इस ग्राफ के ऊपर डायरेक्ट है प्रोजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं होगी ग्राफ यहीं से गुजरता है तो टी क्वस ज़ीरो पे ब्लास्टी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी जीरो आएगी तो वी वन की वैल्यू ज़ीरो और टी क्वस फोर पे वी टू की वैल्यू माइनस फाइव ये वैल्यू आउटपुट का डालो एक मिनट एवरेज एक्सलेशन किस इंटरवल में पूछा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज एक्सलेशन एट इंटरवल जीरो टू फोर जीरो टू फोर तो बच्चों टी क्वस फोर पे तो ठीक है माइनस फाइव होएगा। लेकिन टी क्वस जीरो पे भी वन जीरो ही होएगा। तो आई एम सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है मुझे माफ़ कर देना मैं करेक्शन कर लूँगा बी टू की वैल्यू तो माइनस फाइव सही है एंटी क्लस जीरो पे भीवन की वैल्यू यहाँ जीरो होना चाहिए बच्चों गलत लिखा है मैं सॉरी बोलता हूँ यहाँ जीरो होना चाहिए क्योंकि तो टी का इनिशियल वैल्यू जीरो ही बोला है जब ये जीरो होगा तो आएगा माइनस फाइव फोर माइनस फाइव अपॉइन्ट फोर तो आएगा माइनस वन पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस वन पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया है बाकी ये सब सही है इसमें कोई गलतियां नहीं चलो तो ये क्वेश्चन डन हो गया दूसरा क्वेश्चन देखो स्मॉल बॉडीज मूविंग अलॉन्ग ए लाइन

क्स टू पे कैसे निकालोगे? आपके क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो जब एटी ग्राफ गिवेन होता है तो जर्क निकालने का कॉन्सेप्ट आपको ये पढ़ाया गया है कि आप उस ग्राफ का स्लोप निकाले देखो बच्चों, टीक्वल टू सेकेंड पर जर्क चाहिए तो स्लोप निकालो। कैलकुलस में डे बाय डी टी करते हो कोऑर्डिनेट में टैन थीटा करते हो और वो कहलाएगा जर का टी प्लस टू से वैसे तो स्लोप निकालना सिखा रहा हूं ये देखो टी बराबर टू है तुम्हारा ग्राफ ऊपर से गुजरता है तो स्लोप निकालने के लिए ये जो टी प्लस टू का पॉइंट है इस पॉइंट को ऐसे वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे आके मिलेगा अब इस पॉइंट पे जो तुम्हारा रेड कलर का ग्राफ है उसका टेंजेंट बनाओ स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट लाइन खुद होगी तो टेंजेंट लाइन खुद होगी और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है इसका थीटा बच्चों कितना होएगा जीरो जब थीटा जीरो रखोगे तो टैन जीरो जीरो की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी इसका मतलब जर्क की वैल्यू कितनी आएगी जीरो आएगी फिर पूछा है बच्चों टी क्वस फोर सेकेंड फिर से जर्क निकालो वही थ्योरी डी एवा डी टी के बराबर होगा इसी को स्लोप कहते हो वही क्वानिट में टाइम थीटा होगा अब मैं टी क्वस फोर की बात करता हूँ ये देखो टी क्वस फोर जो पॉइंट है बच्चों इसको ना ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना नीचे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि तो ग्राफ उसी पॉइंट से गुजरता है जब ग्राफ उसी पॉइंट से गुजरता है तो फिर उसी पॉइंट पे टेंजेंट बना लो बच्चों जब आप यहाँ टेंजेंट बनाओगे तो ये लाइन खुद टेंजेंट का काम करेगी और इसी लाइन आई मीन इसी टेंजेंट का स्लोप निकालो बट पॉनेट जोमेट्री में जो थीटा दिखाया जाता है वो ट्वेंटी क्लाक वज दिखाया जाता है तो आपको इस वाले थीटा का टाइम लेना पड़ेगा तब जाके स्लोप आएगा, लेकिन इस थीटा के सामने यहाँ कोई ट्रायंगल तो है नहीं फिर टन थीटा निकलेगा कैसे बच्चों इसका टेक्निक होता है ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसका हेल्प लेना होता है थीटा को लिख सकता हूं पाई माइनस पाई पाई रेडियन माइनस so, पाई रेडियन सो टेन थीटा इज पाई माइनस पाई ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो कि टेन माइनस पाई पाई माइनस पाई की वैल्यू माइनस टेन पाई के बराबर होता है माइनस रिपीट कर डालो टेन फाइव की वैल्यू ट्रायंगल से निकालो बच्चों टेन फाइव की वैल्यू इस टाइगिल से निकालना आसान है हाइट अपॉन बेस हाइट कितना आएगा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों बेस कितना आएगा ये वन सेकेंड होगा ये टाइम है तो ये यूनिट सेकेंड होगा तो बेस आएगा वन सेकेंड तो टेन फाइव वैल्यू यहाँ पे आएगी टू बाई वन माइनस टू मीटअप पर सेकेंड क्यूस बीटा एट फोर सी हो गया सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा था चेंज इन ब्लास्टिंग पूछा था देख लो सॉरी चेंज इन ब्लास्ट नहीं पूछा है सिर्फ वेलोसिटी पूछा है इक्वल एट सेकेंड इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ जब टाइम का रीडिंग एड सेकेंड हो रहा था जब टाइम का रीडिंग जीरो हो रहा था तो वी का वैल्यू कितना गिवेन है माइनस टू गिवेन है बच्चों आपको थ्योरी ये पढ़ाई गई कि टी वन से टी टू में जो एटी ग्राफ के एरिया होगा वो तो आपको डेल्टा वी देगा आप क्या करो टी वन जीरो को मान लो टी टू एट को मान लो और इस वेलोसिटी को वी टू मान लो और ये जो वेलोसिटी गिवन है इसको वी वन मान लो और एरिया मेथड से वी टू मानस वी वन निकाल लो एरिया लेना होगा बच्चों बिटवीन इक्वल जीरो इक एट। याद रखना टी क्वल्स जीरो से लेकर टी क्वस सेट तक इसका पूरा एरिया लेना होगा ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा ट्रेपेज़ियम दिखता होगा और ये वाला एरिया नेगेटिव आएगा ट्रायंगल दिखता होगा फॉर्मूला बनेगा ए वन माइनस ए टू दैट शुड बी वी टू माइनस वी वन देखो बच्चों ए वन माइनस ए डेल्टा वी टू माइनस बी वन बी टू का मतलब हुआ ब्लास्टी क्वलस एट बीवन का मतलब हुआ जीरो. Is it? तो आप जीरो जो टर्म है इसको रिपीट कर डालो एवन माइनस एट टू को यहां लिख डालो डालू ब्लास्टीव जीरो बच्चों दिखेन है माइनस टू तो गिवेन है पुट कर डालो एवन ट्रपेजियम के ग्राफ से निकालो वन बाय टू पैरल साइड फोर समी इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मैं सेवन को ग्राफ में आपको रियलाइज करवा रहा हूं बच्चों इस ट्रपेजियम का एरिया ए वन होगा वन बाय टू पैरल सम्स तो so, पहली पैल साइड फोर हुआ दूसरी पैल साइड थ्री हुआ दोनों के बीच परपनिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों टू हुआ यही तो लिखा है पे, देखो फिर माना ए टू ए टू ट्राइंगल का एरिया होगा ए टू जो होगा वो ट्राइंगल एरिया होगा रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे यहां पे देखो वन बाई टू बेस इंटू हाइट बेस कितना आएगा बच्चों एट माइनस फोर एट माइनस फोर दैट इज फोर हाइट कितना आएगा ओनली टू माइनस लगा चुके इसलिए इस माइनस को रिपीट मत करना वन बाय टू बेस आएगा फोर और हाइट आएगा टू मानस लगा चुके हो वन बाई टू बेस फोर आई टू बच्चों यहाँ की प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे इक्वल होना चाहिए आई एम सॉरी बच्चों यहाँ पे इक्वल होना चाहिए प्रिंटिंग एरर है जब इक्वल यहाँ पे डाल दोगे इसको सॉल्व करोगे तो टू और टू कट जाएगा फोर प्लस थ्री आएगा सेवन फिर माइनस और ये टू टू कट जाएगा बचेगा फोर तो माइनस के बाद यहाँ आएगा फोर तुम समझ पा रहे हो ना यहाँ इक्वल होना चाहिए इक्वल लगा के सेवन माइनस फोर की वैल्यू कितनी आती है इक्वल टू थ्री ये जो थ्री आया है वो इन दोनों का डिफरेंस आया है अब मुझसे केवल ये वाला पूछा है बच्चों ये माइनस माइनस प्लस होएगा जब इसको इधर लाके ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे तो फिर से वो माइनस टू हो जाएगा यह आएगा माइनस टू प्लस थ्री इक्वल्स वन मीटर पर सेकंड गॉट इट वेलोसिटी आर टी प्लस एट सेकेंड इक्वल्स वन मीटर पर सेकेंड ये पार्ट हो गया फिर थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इन टाइम इंटरवल जीरो टू फोर सेकेंड फाइंड आउट एवरेज एक्सेलेशन बच्चों इसका फॉर्मूला पढ़े हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी जीरो से फोर में आप डेल्टा वी कैसे निकालोगे एरिया से निकालोगी जीरो तो टू फोर में एरिया निकालो ग्राफ का बिटवीन जीरो टू फोर डेल्टा टी टी टू माइनस टी दैट इज़ फोर माइनस ज़ीरो ये फोर माइनस जीरो फोर लिख दो जीरो से फोर में एरिया निकालो देखो ग्राफ देखो जीरो से फोर में जो एरिया आएगा वो इसी ट्रपीजियम का एरिया आएगा बच्चों इस ट्रपीजियम का एरिया तुम थोड़ी देर पहले ही निकाले हो सेवन यूनिट आया था इस एरिया को आप सेवन लिख डालो वहां पे यह एरिया आएगा इतना दैट इज सेवन अपॉन फोर वन पॉइंट सेवन फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखो आंसर आ गया वन मोर क्वेश्चन ऑन द ग्राफ फॉर दर लीनियर मोशन ऑफ ए स्मॉल बॉडी आमाश टू के जी एक्स ग्राफ इज गिवल जीरो वी इक्वल टू मीटर पर सेन फाइंड वी आर टक्स इक्वल फाइव सेकेंड पार्ट में पूछा आई एव फाइंड आउट चेंज इन क्वानिटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिटवीन एक्स इक्वल वन मीटर टू एक्स इक्व फाइव मीटर बहुत ध्यान से पढ़ना घबराना नहीं फिर पूछा फाइंड आउट द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम एक्स इक्व जीरो टू एक्स इक्व फाइव मीटर फिर पूछा कि फाइव टैक्स इक्वन मीटर बी इक्वल्स टेन मीटर पर देन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस जर्क बी ऑफ डी बॉडी आर डी सेम पोजीशन एक्स इक्वल्स 1 मीटर आमिस का एक एक पार्ट तुम्हें समझा रहा हूँ तुम्हारी क्वेश्चन में ये ग्राफ दिखे है एक्सलेशन वर्सेस पोजीशन पहले से बना कर दिया हुआ है मैं पिछले एपिसोड में एक डेरिवेशन पढ़ाया था एक्स वन से लेकर एक्स टू तक जो एक्स ग्राफ का एरिया होता है उसका तीन मतलब होता है उसमें से पहला फार्मूला ये वाला था डेल्टा ऑफ वी स्क्वायर अपॉन टू दैट वाज ए वन माइनस ए टू मीनिंग था वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू अब करना ए वन माइनस ए टू बच्चों ऊपर वाले एरिया एवन लिखा गया था नीचे, वाल तो वाले नीचे वाले एरिया को ए टू लिखा गया था क्वेश्चन में एक्स वन की वैल्यू जीरो होएगी और एक्स टू की वैल्यू फाइव होगी जीरो होगा और एक्स टू फाइव होगा ऊपर वाले एरिया को ए वन बोलोगे नीचे वाले एरिया को ए टू कहोगे इसकी ज्योमेट्री तो ट्रेपेजियम है इसका एरिया निकालो ए वन वन बाई टू सम ऑफ पैलल साइड इन टू डिस्टेंस देखो जरा पैलल साइड में ये तो फोर हो गया और ये टू हो गया और ये परपनिकुलर डिस्टेंस हो गया इक्वल टू टू ये लिखा है यहाँ पे देखो अब ए टू निकालो ए टू के लिए ये एरिया ट्राइंगल है या आएगा वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट हाइट माइनस छोड़ देना क्योंकि माइनस ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ तो बच्चों आपने वन माइनस एटो निकाला अब इसकी वैल्यू यहां पे देखो एक्स इक्वल जीरो पे वसिटी वन गिवेन है कितना गिवेन है टू मीट ऑफ परिवन है और एक्स इक्वल फाइव पर v2 टू पूछा है आपसे जो पूछा है वह नोन हो गया इसको सॉल्व करो बच्चों ये जो बाई टू है और जो यहाँ पे बाई टू है और यहाँ भी बाई टू है ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए कैंसिल हो जाएगा तो केवल इतना बचेगा भाई मैंने लिखा है कैंसिल हो गया तो बच्चों यहाँ पे आएगा ट्वेल्व ये कैंसिल हो गया तो यहाँ आएगा टू यहाँ आएगा ट्वेल्व माइनस टू दैट इज़ टेन और ये होगा फोर इसको इधर ला के ट्रांसफ़र कर दो सो टेन प्लस फोर इज़ फोरटीन सो वीटर स्क्वायर इज़ फोर्टीन एंड बाय टेकिंग रूट यू यू मस्ट है तो वी टू की वैल्यू आई टैक्स इक्वल फाइव मीटर आता है अंडर उठ तो हो गया सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था बच्चो सेकेंड पार्ट में आपसे ये पूछा है क्स इक्वल्स वन मीटर फाइव मीटर यू हैव टू फाइंड आउट चेंज इन क्वानिटी की एनर्जी तो आपको जो मैंने पिछले एपिसोड में डिवेशन दिया था कि एक्स ग्राफ का जो एरिया ए वन माइनस ए टू था उसका दूसरा मीनिंग था डेल्टा के बाई मास रिविजन कर लेना यहाँ से डेल्टा के फार्मूला बना लो मास द बॉडी इंटू एवन माइनस ए टू तीस बार बच्चों आपके वन माइनस ए टू वन से फाइव के बीच में निकालना है आमीन एक्स वन के वैल्यू वन मीटर और एक्स टू की वैल्यू फाइव मीटर तो वन से फाइव के बीच में वन माइनस ए टू निकालना है उसके तो बाद ला के यहाँ पर रखना है डेल्टा तो के का फॉमुला लिखे रहो एम ए मिनट ए वन माइनस ए टू यहाँ ए टू जीरो लिख दिया गया ए टू जीरो क्यों लिख दिया गया जरा समझो एरिया तुम्हें वन से फ़ाइव के बीच में चाहिए वन से फाइव के बीच में टू जीरो क्यों लिखा गया थोड़ा धीरे धीरे समझना घबराना नहीं वन से लेकर फाइव के बीच में बच्चों जो एरिया निकालना है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव एरिया देखो या पूरा का पूरा पॉजिटिव है टू तो ते इसमें बचा नहीं टे टू की वैल्यू जीरो मानी जाएगी टू इसलिए वहाँ जीरो लिखा गया है और ए वन की वैल्यू स्टीजियम के बराबर होगा वो आएगा वन बाई टू इंटू समल साइड्स दैट इज फोर प्लस टू इंटू परपेडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ टू ए टू वहाँ ज़ीरो लिख दो और ए वन की वैल्यू वहाँ पे लिख डालो देखो फिर से ए वन निकालना है ए टू श्योर ज़ीरो होगा एम इंटू ए वन मास क्वेश्चन में टू के दिया हुआ है और ऊपर टपीजियम का एरिया आप सिक्स निकाले पड़े तो सिक्स रख के मल्टीप्लाई करो ट्वेल और डेल्टा के है ये इसका ऐसा एट जूल आएगा इसलिए बच्चों चेंज इन क्वानिटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आएगा ट्वेल जूल ये आंसर हो गया देखो मैंने नोट लिखा है कि बिटवीन वन मीटर टू फाइव मीटर देर इज़ नो एनी नेगेटिव एरिया hai between x equals 0 and x equals में क्या पूछा है se work done by all forces तो बच्चों मैंने आपको वर्क एनर्जी theorem डिस्क्राइब किया था उस दिन बिटवीन एक्स वन टू एक्स टू अगर वर्क डन forces पूछा है

अभी थोड़ी देर पहले निकाले हो बिटवीन जीरो टू फाइव ए वन आया था सिक्स और ए टू आया था वन जीरो नहीं था मास गिवेन एट टू सारी वैल्यू पुट कर डालो डन आता है जूल ये तुम्हारा आंसर हो गया फिर आपसे पूछा है इक्वल्स वन मीटर है ना जर्क पूछा है एक्स इक्वल्स वन मीटर पे जर्क पूछा है तो इसके लिए आपको थेरी ये पढ़ाई गई कि एक्स इक्वल्स वन मीटर पे जो ग्राफ का स्लोप होगा कोऑर्डिनेट में टन थीटा होगा और एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है टन थीटा वो बीटा अपॉन वी के बराबर होता है डेरिवेशन देख लेना बच्चों जर्क अपॉन वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल आता है ये फार्मूला डिराइव करके दिया हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बीटा का ऐसे फॉर्मूला बना लो बीटा की वैल्यू आता है v थीटा तो जो v होगा X 1 पे v की वैल्यू ये इस वाले पार्ट में गिवेन है फोर्थ पार्ट में एक्स इक्वल्स वन पर वी की वैल्यू गिवेन है जरा पढ़ो इसको लिखता है न है आपको निकालना नहीं है जो गिवेन है उसका इस्तेमाल करो और बीटा निकालो सो वी इज गिवेन ऑलरेडी इक्वल टू टेन हाँ ये टेन थीटा निकालना पड़ेगा किस पोजीशन पे निकालोगे वन मीटर पे निकालोगे तो वन मीटर पे ग्राफ का स्लोप tan थीटा देखो कैसे निकलेगा ये जो वन मीटर है इसको ना तो ऊपर प्रोजेक्ट करना है और ना ही नीचे प्रोजेक्ट करना है क्योंकि ग्राफ उसी पॉइंट से गुजरता है जब ग्राफ उसी पॉइंट से गुजरता है पॉइंट पे आप टेंजेंट बना लो जब इसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो ये लाइन रिपीट हो जाएगी क्योंकि लाइन का टेंजेंट और लाइन खुद होती है तो लाइन रिपीट हो जाएगी तो इसी लाइन का स्लोप टैन थीटा निकालो मगर थीटा तो कॉर्नेड जोमेट्री में एंटी क्लाक लिया जाता है तीस वाले थीटा का तुम टैन निकालो डेफिनेटली इस बार इसके सामने एक ट्रायंगल दिखता होगा टेस्टांग से टें थीटा निकालना आसान हो जाएगा वह आएगा हाइट अपान बेस हॉमस इज हाइट इक्वल टू तो टू एंड हाउमस इज बेस इक्वल टू वन टू माइनस वन इज वन तो हाइट हो गया टू और बेस हो गया वन टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे टू बाई वन टेन थीटा

देन करेक्ट ऑप्शन इज वी एवी बेसी वेलासिटी में कुल चार ऑप्शन दिए हुए करेक्ट ऑप्शन बताना ये ग्राफ आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है सोन बाय रेड कलर ये ग्राफ गिवन है एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है कैलकुलस में डेस्वा डिटी होता है कोऑर्डिनेट में टाइम थीटा होता है फिजिक्स में वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी निकालने के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा पॉइंट ए पे एक टेंजेंट बना दो और पॉजिटिव डायरेक्शन से उस एंटी क्लॉक थीटा दिखा दो से थीटा ए पॉइंट बी पे टेंजेंट बना दो और पॉजिटिव टाइम डायरेक्शन से एंटी क्लॉक वाइज थीटा दिखा दो से थीटा बी सी पे एक टेंजेंट बना दो पॉजिटिव टाइम के डायरेक्शन से एंटी क्लॉक वाइज थीटा दिखा दो से थीटा सी के लगता होगा कि जैसे जैसे हम लोग ए से सी की तरफ जाते हैं थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही देखो जस्ट ऑब्जर्व दीटा ए लेसा बी एंड थीटा बी लेस थीटा सी कैन बी सीन इन द ग्राफ सो जीरो से नाइंटी में टेन थीटा फंक्शन इंक्रीज करता है जब थीटा बढ़ता जाएगा तो टैन थीटा भी बढ़ता ही जाएगा या टेन थीटा का ग्राफ आपको इसीलिए पढ़ाया गया था टाइम लगा देने पर भी इनकी का साइन चेंज नहीं होगा आई मीन शुड बी tan थीटा लेस दैन टैन थीटा बी लेस दैन टैन थीटा सी तो ये जो tan थीटा स्लोप है इसको वी ए कहोगे इसको वी बी कहोगे और इसको बी सी कहोगे तो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ए लेस वी बी लेस सी सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन बच्चों ऑप्शन बी मैच हो गया एक क्वेश्चन और देखो ग्राफ पे इन द फॉलोइंग पेज फॉर अरक्ट इनियरली मूविंग स्मॉल बॉडी एटी ग्राफ इज गिवेन कन्वर्ट दिस ग्राफ into VT graph given ग्राफ गिवेन दैट आर टीवस जीरो वीक्वस जीरो बच्चों ग्राफ कन्वर्जन का क्वेश्चन है एटी ग्राफ को VT ग्राफ में कन्वर्ट करना है इस ग्राफ को रीड करो बिटवीन जीरो टू टू सेकेंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट इक्वल टू प्लस फाइव बिटवीन टू टू फोर सेकेंड एक्सेलेसन जीरो है बिटवीन फोर टू सिक्स सेकेंड एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है इक्वल टू माइनस फाइव अब बच्चों इससे ग्राफ कैसे बनता है ये सिखा रहा हूँ यहाँ लिख डालो विलासिटी यहाँ लिख डालो टी टाइम के तीन अलग अलग इंटरवल हैं उन तीनों इंटरवल को यहाँ पे मार्क कर लो जीरो फोर टू सिक्स अब ग्राफ का सेप ऐसा क्यों आया है इसकी पूरी की पूरी एनालिसिस मैंने दिखाई है और ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो प्लस टेन क्यों आया है ये लीनियर क्यों है ये लीनियर क्यों है ये लीनियर क्यों है पूरी एनालिसिस में दिखाया हूँ समझा रहा हूँ अच्छे समझना थोड़ा धीरे धीरे समझना बच्चों ऐसे की जाती है एनालिसिस। इन टाइम इंटरवल जीरो टू टू से जीरो टू टू से एक्सेलरेशन एज पर ग्राफ एस प्लस फाइव देखो एक्सलेशन है प्लस फाइव इसको पॉजिटिव कांस्टेंट बोलोगे बोलोगे ना प्लस फाइव स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ को क्या कहते हो कॉर्नेट में टेन थीटा कहते हो कैलकुलस में डी बाई डी टी कहते हो फिजिक्स में एक्सेलेशन करते हो तो जीरो से टू सेकेंड के बीच में वीटी ग्राफ का स्लोप कितना आएगा प्लस फाइफ आएगा मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप एक पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा बच्चों जरा फिर से समझो जीरो से दो सेकेंड के बीच वीटी ग्राफ का स्लोप एक पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा जब स्लोप किसी ग्राफ का पॉजिटिव कांस्टेंट होता है तो ग्राफ स्टेट लाइन होती है एक ऐसी स्टेट लाइन जिसका थीटा 90 से छोटा होता है प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ तो लीनियर होगा ऐसा और थीटा वन की वैल्यू लेस देन 90 होगा ऐसा और ग्राफ होगा लीनियर राइट इसको ओरिजिन से क्यों पास कराया हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्या टीवस जीरो वेलोसिटी आल्सो इक्वल जीरो जब वेलोसिटी जीरो दिया है तो ओरिजिन से पास करेगा देखो यहाँ दिया है गिवेन देट t टीव जीरो वीक्वा जीरो बच्चों ये ग्राफ लीनियर होगा थीटा वन बनाएगा लेस द नाइन्टी और ओरिजिन से पास करेगा अब यहाँ पे आते आते वेलोसिटी बढ़ के टेन क्यों हो जाएगी अब टेन क्यों हो जाएगी अब इसका डेरिवेशन देखो टेन थीटामन इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट दीटामन लेस दैन नाइंटी दिल बी स्टेट लाइन पासिंग स्लोक एज शोन इन वी टी ग्राफ पहले हम सिर्फ डिस्कस कर लें फिर बता दूंगा कि वो टेन कैसे आया है इन टू सेकेंड टू फोर सेकेंड एक्सलेसन इज जीरो as given in एटी ग्राफ टू से फोर में देखो एक्सलेशन क्या दिखा रहा है देखो एक्सलेशन जीरो दिखा रहा है बच्चों एक्सलेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है है ना यानी कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी प्लस टेन आ चुकी होगी तो टू टू तो फोर सेकेंड तक वो वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए इसलिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाया गया है बिटवीन फोर टू सिक्स अभी देख लो एक्सलेशन नेगेटिव आया है कितना माइनस फाइव नेगेटिव कांस्टेंट आया है तो मैंने कमेंट लिख दिया बिटवीन टू टू फोर एक्सलेशन इज ज़ीरो टेन थीटा डीवी बाई डी दैट इज अर फोर थीटा जीरो तो ग्राफ विल बी होटल स्टेट लाइन बट द प्रीवियस ग्राफ एज सोन इन वीटी ग्राफ अब यहाँ देखो बिटवीन फोर टू सिक्स सेकेंड एक्सलेशन इज नेगेटिव कॉन्स्टेंट तो फोर से सिक्स में स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा सपोज टेन थीटा टू होगा कैलकुलस में होगा डी बाई डी टी इसको कहती हूँ एक्सीरेशन और ये दिया है नेगेटिव मतलब इस टाइम के इंटरवल में तुम्हारे वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो निगेटिव कांस्टेंट होगा बच्चों और जब भी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट होता है तो ग्राफ फिर से लीनियर होता है मगर नेगेटिव का मतलब जो थीटा बनेगा वो मोर देन 90 होगा लेस देन 180 होगा आई I मीन mean, ये जो थीटा टू होगा ये जो थीटा टू होएगा दैट शुड बी बिटवीन नाइन्टी टू वन एटी और ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन देखो बच्चों मोदी खाया हुआ है बिटवीन फोर टू सिक्स ये कंटिन्यूस ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लो और ये थीटा टू मोर देन नाइन्टी आएगा और लेस देन वन एट्टी आएगा एज इट तो ये ग्राफ तो जस्टिफाई हो गया और ऑर्डिनरी मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंटिनूस बनाते हैं माना जाता है कि बॉडीज़ का वेलोसिटी ग्रेजुअली चेंज होता अचानक जंप नहीं करता लेकिन कोलिजन वाले चैप्टर में वेलोसिटी दिखाया जाएगा अचानक से चेंज हो जाती है उसको फास्ट एक्शन बोलते हैं लेकिन ऑर्डिनरी मोशन में वेलोसिटी को एक कंटिन्यूस ग्राफ दिखाती है अब ये प्लस टेन मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे आया है वो देखो समझाता हूँ वो दरअसल यहां मैंने किया नहीं है वैसे समझा दे रहा हूं देखो तुमको थ्योरी पढ़ाई गई है कि T1 से T2 में में ग्राफ का जो एरिया होगा वो डेल्टा V देता है एज इट तो आर टी क्वेश्चन टू माइनस आर टी क्वस जीरो इस एरिया के बराबर होगा बच्चों ये एरिया रेक्टेंगुलर एरिया आएगा बेस इनटू हाइट तो बेस हो गया टू हाइट हो गया फाइव तो ये पॉस्टिव एरिया हुआ प्लस टेन अब प्लस टेन हो गया वी टू माइनस वी वन अब वी वन की वैल्यू यहाँ जीरो दिया हुआ है देखो तो v2 की वैल्यू आई मीन टी प्लस टू पर v2 की वैल्यू कितनी आएगी प्लस टेन आएगी तो t प्लस टू पर देखो ब्लास्टिक को प्लस टेन इसीलिए दिखाया गया है और टू टू फोर में वो कांस्टेंट रहेगी तो उसको कांस्टेंट दिखा दिया है फिर फोर टू सिक्स में उसको घटता हुआ दिखाया है फिर तुम मुझसे एक क्वेश्चन और पूछोगे कि सर जी जब टाइम की वैल्यू सिक्स सेकेंड होएगी तो इस ग्राफ में आपने ब्लास्टिक जीरो क्यों दिखा दी इक्वल सिक्स पर वेलोसिटी जीरो मैंने क्यों दिखाया वो भी यहीं से मिलेगा जीरो से सिक्स के बीच में फिर से v2 टू माइनस भी वन निकालू वी टू का मतलब बच्चों बिलासल सिक्स v1 का मतलब बिलास जीरो तो टू वी टू माइनस v1 फिर से एरिया के बराबर होगा अब बच्चों फार्मूला था एवन माइनस ए टू तो इसको आप पॉजिटिव में लोगे ए वन इसको नेगेटिव में लोगे ए टू तो इसका भी बेस टू है और हाइट फाइव है इसका भी बेस टू है और हाइट फाइव है और इस इस वाले का एरिया तो जीरो ही हो जाएगा तो ये एरिया होगा प्लस टेन ये हुआ माइनस टेन तो ए टू बच्चों ज़ीरो हो गया एरिया तो जीरो आ गया एरिया जीरो आने का मतलब वी टू माइनस वी वन क्या आएगा ज़ीरो अच्छा वी वन जीरो दिया है इसलिए वी टू भी जीरो होना चाहिए वी वन जीरो क्यों दिया है देखो ये दिया है इसको वी वन कहोगे देखो जीरो दिया है तो वी टू भी क्या आएगा जीरो आम T इक्वल सिक्स सेकेंड पर प्लास्टी आएगा ज़ीरो देखो आ गया जीरो इसलिए स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आते आते जीरो को टच करेगी हो गया तुम्हारा ग्राफ का कन्वर्जन ग्राफ कन्वर्ट हो गया एक और देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज टू मीटर पर परसेंट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इक्वल टू फोर इन अ डायरेक्शन सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन टू डामेसल मोशन का है आ मैं वन डामेसल मोशन पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन को इग्नोर करूंगा मैं वन डामेसल मोशन के क्वेश्चन आपको ही कराऊंगा आज तो उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ वन डामेसल मोशन का क्वेश्चन ये देखिए रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड एंड बी आर कॉन्स्टेंट दैटन इज ये क्वेश्चन बच्चों बहुत तेजी होते हैं थोड़ा कैलकुलस आना चाहिए चार ऑप्शन दिया हुआ है टी का फार्मूला एक्स में दिया है जिसमें करते क्या हैं ऐसे क्वेश्चन तमाम पूछे गए हैं इसको कोई चेंज वेंज ना करो सीधे सीधे बोथ साइड को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो टी का डेरिवेटिव तो टी के रिस्पेक्ट में से लिखो फिर इस पूरे फंक्शन पे डीडी टी लगा दो चेन रूल लगाना पड़ेगा डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर ए एक को बाहर निकालो चेंद रूल लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का पल एक्स में करोगे तो टू एक्स आएगा फिर इनटू डेक्स वाई डी टी करोगे उसको एक्स डॉट लिखो फिर सेकेंड टर्म पे डी डी टी लगा दूं बी को बाहर निकालो फिर आएगा इनटू डेक्स वाई डी टी उसको एक्स डॉट लिख दो इसको इक्वेशन वन लिख दो इक्वेशन वन लिखने के बाद फिर आगे बढ़ो एक्स डॉट कॉमन ले लो इक्वल टू वन रिपीट करो इसको इधर लाके डिवाइड करो क्स डॉट का एक फॉर्मूला बना लो वन डी मोशन मैक्स डॉट को वेलोसिटी करते हो सिंबल चेंज करके वे लिख डालो इक्वेशन नंबर टू अगेन डिफ्रेंसीटिंग तुम इस इक्वेशन पे दोबारा से लौट आओ दोनों तरफ टाइम टी के रिस्पेक्ट में इसको फिर से डिफ्रेंसीट करो ये देखो किया हो पहले पूरा इक्वेशन लिख दिया डीडीटी लगा दिया बच्चों डीडीटी ऑफ वन क्या होगा जीरो तो तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो अब एक वेरिएबल एक्स है एक वेरिएबल एक्स डॉट है भाई आप एक्स डॉट को दावे के साथ कांस्टेंट तो नहीं कर सकते देख लो ये जो डिराइव करे हो वो एक्स का फंक्शन है और एक्स को तो वेरिएबल मानते ही है ना ब्लास्टिक क्या हुआ वेरिएबल ये कॉन्सेंट तो है नहीं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ डीडीटी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उस पर तुमको डीडीटी लगाना है तो प्रोडक्ट रूल बच्चों कैलकुलस में क्या पढ़े हो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट देखो ये फर्स्ट फंक्शन लिख दिया और इसको जब डीडीटी एक बार और लगा दोगे तो एक्स पे डबल डॉट आएगा देखो लिख दिया फिर प्लस सेकेंड फंक्शन देखो लिख दिया इंटू डी डी टी ऑफ एक्स इंटू डी डी टी ऑफ एक्स को फिर से क्या लिखोगे एक्स नॉट ये तो कंप्लीट हो गया आप डीडी टी इस लगाने जा रहे हो बी कांस्टेंट है बाहर लिख दो और डी टी एक्स डॉट पे लगा दो जब डी टी एक्स डॉट पे लगाओगे तो उसको क्या लिखते हो एक्स डबल डॉट अब एक्स डबल डॉट के दो दो टर्म दिखते होंगे उसको कॉमन ले लो बच्चों यहाँ तो जीरो ही आया है देखो कॉमन ले लिया ब्रैकेट में इतना आएगा और तुम्हारा ये जो टर्म बचेगा इसको एक्स डॉट स्क्वायर लिख डालो इंटू टू ए इसको यहाँ पे ट्रांसफर करके नेगेटिव बना लो तो माइनस टू ए इंटू एक्स डॉट स्क्वायर बच्चों एक्स डॉट का सिंबल भी आप पहले से सीखे पड़े हो किस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो अब इस ब्रैकेट से ला के डिवाइड कर दो कर दिया देखो वन अगर यहां कॉप्शन वन मानते हो तो वन अपॉन दिस टोटल इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों वन अपॉन दिस टोटल की वैल्यू इक्वेशन वन में देखो इक्वल टू वी था तो वन अपॉन दिस टोटल को वी लिख डालो और वी को इसमें मल्टीप्लाई कर डालो क्या आएगा टू ए वी क्यूब विथ नेगेटिव साइन दैट इज एक्स डबल डॉट व्हाट इट और बच्चों तुम्हें याद होगा एक्स डबल डॉट कोई एक्सीलरेशन करते हो तो इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन का आंसर इतना आ गया ये हो गया ऑप्शन सी मैच हो गया मैच करा लो देखो कि कैलकुलस की जो टेक्निक है सीखे रहो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं उसी तरह का एक क्वेश्चन और देखो अ पॉइंट मूव्स इन स्टेट लाइन सो इट्स डिस्प्लेसमेंट टैक्स मीटर एट टाइम टी सेकेंड इज गिवेन इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टाइम टी सेकेंड इज फिर से एक्सेलरेशन पूछा है मतलब फिर से आपसे एक्स डबल डॉट पूछा है चार ऑप्शन दिया है बच्चों सॉल्व करने का मेथड वैसा ही है इस ओरिजिनल इक्वेशन में कोई हेरा फेरी ना करो उसको यहाँ रिपीट करो और सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड को डी डी टी इधर लगा दो डी डी टी इधर लगा दो डी डी टी इस पे लगाओगे तो चेंद रूल आएगा पहले इसका एक्स में करोगे तो टू एक्स आएगा फिर इंटू डेक्स बा टी करो टी स्क्वायर का टी में करोगे तो टू टी आएगा और वन का टी में करोगे जीरो आएगा टू को टू से कट कर दो जो बच्चे उसको लिख डालो से इक्वेशन वन यहां सेक्स डॉट का एक फार्मूला बना लो से क्वेश्चन टू डिफ्रेंसिएटिंग इक्वेशन वन विद विथ रिस्पेक्ट टू तो टाइम टी वापस यहां पे लॉट आउट पिछले बार भी मैं यही किया था टेक्निक एक ही जैसी है यहां पे वापस लौट चलो और बोथ साइड को फिर से डिफ्रेंसीट करो दैट इज डीडीटी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एक पास डीडीटी ऑफ राइट हैंड साइड बच्चों ये दोनों वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डीडीटी ऑफ एक्स डॉट That is x double dot plus second function into ddt of x. So ddt of x is x dot again. Second function into ddt of x that is x dot again. And ddt of t is 1 So you put here 1 यहाँ x double dot का फॉर्मूला बनाओ। इसको स्क्वायर करके ट्रांसफर करो। और एक्स से ला के डिवाइड कर दो कुछ ऐसा आएगा एक्स डॉट की वैल्यू इक्वेशन टू से उठा लो ये ला के यहाँ पे रख दो रख दिया स्क्वायर करो टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वन में मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर को नीचे ला के मल्टीप्लाई करो कुछ ऐसा होगा इस न्यूमरेटर की वैल्यू वन मैंने क्यों लिख डाली क्योंकि ये तुम्हारे ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है अगर इसको लेफ्ट साइड में ले आऊं तो डिफरेंस की वैल्यू तो वन आएगा इसलिए इसको क्या लिख डाला वन अपॉन एक्स क्यूब नॉट दिस इज ओर टर्म टेशन इतना आ गया ऑप्शन डी देखो सही हो गया देखो सही हो गया कैलकुलस की टेक्निक बच्चों कैलकुलस में कमांड होगा कर लेगा होगी बच्चों व डायशनल मोशन में मैंने आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छा आपको कराए लेकिन अभी भी मेरे पास क्वेश्चन की कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं यही एडवांस लेवल यही मेन लेवल के अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कराना बहुत ज़रूरी है तो आपको बेटर कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं तो सोच रहा था कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा मगर मुझे लग रहा है कि कुछ और क्वेश्चन आपको अगले एपिसोड में कराता हूँ तब तो वन डायमेंशनल मोशन में कहीं आपको बेहतर कॉन्फिडेंस दिखेगा तभी एक एपिसोड इसमें और जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा सो so, प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि अब होली आ गई है सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू गुड डे